So, दोस्तों आप लोगों के दो क्वेश्चन आ रहे थे कि हमें कितनी पेनाल्टी देनी पड़ेगी अगर हम अटल पेंशन योजना में कोई भी प्रीमियम मिस करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों का कि आप लोगों को मंथली कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा आप लोगों की जो भी एज हो। तो मैं इन दोनों क्वेश्चन को एक सिंपल से जो भी बताया गया है अटल पेंशन योजना के द्वारा NSDL के द्वारा वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही, ठीक है। तो अगर आप लोगों का कंट्रीब्यूशन 100 रुपये पर मंथ तक का होता है तो आप लोगों को 1 रुपये हर महीने देना पड़ेगा अगर आप लोग प्रीमियम मिस करते हैं। अगर 101 रुपये से लेकर के 500 तक होता है तो 2 रुपये आप लोगों को पर मंथ देना पड़ेगा, 5 रुपये पर मंथ देना पड़ेगा जब आप लोगों का कंट्रीब्यूशन 501 रुपये से 1000 पर महीने का हो, ठीक है। 10 रुपये का ये मैक्सिमम पेनाल्टी होगी, ठीक है, 10 रुपये पर मंथ का, जो कि 1000 एक से ऊपर का जिनका भी कंट्रीब्यूशन होगा उनको पे करना होगा, ठीक है। तो ये है आप लोगों के जो पेनाल्टी है, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोग 6 महीने तक किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं अटल पेंशन योजना में तो आप लोगों के अटल पेंशन योजना को फ्रीज कर दिया जाएगा। अगर आप लोग 12 महीने तक किसी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं तो आप लोगों के APY अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अगर आप लोगों का कंट्रीब्यूशन 24 महीने का किसी भी तरह से नहीं होता है तो आप लोगों के APY अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा, और जो भी पैसा होगा आप लोगों का जितना भी समय लगे आप लोगों के अकाउंट में वापस डाल दिया जाएगा जितना भी कंट्रीब्यूशन हुआ हो। अब नेक्स्ट चीज दोस्तों कि आप लोगों का कितना कंट्रीब्यूशन होगा आप लोगों के एज के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का 18 से लेकर के 40 साल तक का कंट्रीब्यूशन एज है और मिनिमम 42 रुपये है 18 साल वालों के लिए और मैक्सिमम 210 रुपये है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग 1000 रुपये से लेकर के 5000 पर मंथ की पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज 18 से लेकर के 40 साल तक की आप लोगों की होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 साल। अभी फिलहाल 2019 में मैं आप लोगों के लिए वीडियो दे रहा हूँ। देखिए 1000 की पेंशन के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं 18 साल के हैं तो आप लोगों को 42 साल तक कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और 42 रुपये आप लोगों को महीने का कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। और यहाँ पे जो आप लोगों को 60 साल के बाद पेंशन मिलना स्टार्ट होगी 1000 रुपये की होगी, और बीच में किसी तरह डेथ हो जाती है तो यहाँ पे नॉमिनी को 1.7 लाख, केवल ये डेथ बेनिफिट है जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों के कोई भी स्पाउस है पति पत्नी तो इसको वो कंटिन्यू कर सकते हैं APY को। अगर नॉमिनी आप लोगों ने बनाया है तो उसको 1.7 लाख तक का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। बाकी और कंट्रीब्यूशन जो भी आप लोगों का एज हो आप लोग देख लीजिए, ठीक है, 20 साल के हैं तो 50 रुपये कंट्रीब्यूशन हो रहा है, 25 साल के हैं तो 76 रुपये, 30 साल के हैं तो 116 रुपये पर मंथ का, 35 साल के हैं तो 181 रुपये, 40 साल के हैं तो 291 रुपये। अब आगे की जो भी मैं बताऊंगा आप लोग वीडियो को स्टॉप करके देखिएगा, सब कुछ पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 2000 की पेंशन के लिए है अगर आप 18 साल के हैं, और बेस सी बात है 60 साल पे मिलेगी तो आप लोगों का 42 साल का कंट्रीब्यूशन होगा, 84 रुपये आप लोगों को पर मंथ देने होंगे और इतना ही आप लोगों का गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी। फिर जब 60 साल के आप हो जाएंगे तो 2000 की पेंशन अटल पेंशन योजना में मिलना स्टार्ट हो जाएगी और नॉमिनी बेनिफिट जो होगा 3,40,000 होगा। अब आप लोग जिस भी कैटेगरी में गिरते हैं, जिस भी एज क्राइटेरिया में गिरते हैं उसको देख लीजिए वीडियो को स्टॉप करके कि आप लोगों का कितना कंट्रीब्यूशन आएगा। 3000 के पेंशन के लिए 18 साल के हैं, 42 साल तक कंट्रीब्यूट करना होगा, 126 रुपये पर मंथ आप लोगों को जमा करने होंगे, आप लोगों के अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे और फिर 60 साल बाद आप लोगों को पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी 3000 की, जब तक आप लोग इस धरती पे रहते हैं। फिर यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को 5,10,000 जो नॉमिनी बेनिफिट होगी जो आप लोगों के ना होने के बाद मिलने वाली है। अगर आप लोग 4000 के पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं, 18 साल के हैं, 168 रुपये का महीने का कंट्रीब्यूशन आएगा, 60 साल के होने के बाद 4000 की पेंशन आप लोग पाएंगे और नॉमिनी बेनिफिट यहाँ पे 6,80,000 है। आप लोग वीडियो को स्टॉप कीजिए, 20, 25, 30, 35 और 40 के बीच में आप लोग हैं तो इसमें आप लोग अपना देख लीजिए। अब आखिरी दोस्तों जो अभी तक का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है, बाकी देखते हैं कि आप लोगों का बजट में निकल करके आता है कि नहीं, तो 5000 रुपये का जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होगा, मैक्सिमम आप लोगों की जो पेंशन होगी वो आप लोगों के मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन 210 रुपये अगर आप लोग 18 साल के हैं तब आप लोगों के 60 साल पे 5000 की पेंशन मिलेगी और नॉमिनी बेनिफिट 8,50,000 रुपये है। 20 साल पे अगर आप लोग हैं, 20 साल के एज क्राइटेरिया में हैं तो आप लोगों का कंट्रीब्यूशन 40 सालों तक होगा, 248 रुपये आप लोगों को हर महीने कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, फिर 5000 की पेंशन आप लोगों को
हर महीने आप लोगों के बुढ़ापे पे मिलने लगेगी 60 साल पे। बाकी दोस्तों नॉमिनी यहाँ पे बेनिफिट 8.5 लाख रुपीज़ है। और आप लोग यहाँ पे अपने क्राइटेरिया को देख लीजिए कि किस एज क्राइटेरिया में आप लोग गिरते हैं और आप लोगों को कितना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो बस दोस्तों वीडियो में इतना ही है, किसी तरह का क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करके उनको भी बताएं कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन और किस तरह की पेनाल्टी उनको देनी पड़ेगी अगर वो APY सब्सक्राइब करते हैं और किसी तरह के महीने के कंट्रीब्यूशन में मिस कर जाते हैं। अगर आप लोग इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।